हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 हर्बल टी जो विंटर्स के लिए परफेक्ट है। ये बनी है फ्रूट से, यानी फ्रूटी फ्लेवर आपको मिलेगा एंड दे आर वेरी गुड इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। सबसे पहले ऑरेंज पील यानी ऑरेंज की छिलकी की चाय, बहुत ही हेल्दी है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बनाते हैं ये चाय। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर, 2 या 3 क्रश्ड ब्लैक पेपर। मेरे पास ये है तो मैं इसे निकाल रही हूँ अंदाजन। हमें अगर एक छोटा है हमारे पास ऑरेंज तो हम 1.5 या 2 ऑरेंज का निकालेंगे पील, और अगर एक बड़ा है तो एक भी काफी है। अगर आप इस टी को शुरू कर रहे हैं तो आपको शायद कड़वी लगे ये टी, क्योंकि इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो कड़वा होता है। तो इन दैट केस आप सिर्फ ऊपर का जो कलर वाला हिस्सा है, जैसे मैं अभी ले रही हूँ, वो लें। अदरवाइज जैसे मैंने पहले ऑरेंज का निकाला था पूरा, वो निकालें। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट करने से कम चांसेस हैं कि व्हाइट वाला पोर्शन आएगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने इसमें डाला है पानी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पिंच ऑफ टर्मरिक, यहां पर डाला है ब्लैक पेपर, ऑरेंज के छिलके यानी पील। फ्लेवरिंग के लिए हम इसके अंदर थोड़े से स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज भी डाल सकते हैं, इनका पील आप हटा सकते हैं इन केस यू डोंट वांट दैट बिटरनेस, वो कड़वाहट नहीं चाहते। लेकिन वो है, अच्छी है आपके लिए, अगर आप टेस्ट डेवलप कर लेंगे तो उसके साथ ही पीजिएगा इसको। जब एक उबाल आ जाए इसके अंदर तो इसे ढक दीजिए और फिर इन्फ्यूज होने दीजिए। ढकने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स के बाद आप इसे गैस को बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने की थोड़ी देर बाद आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए, और स्ट्रेन करने के बाद सिप सिप करके इसे पीना है। अब आप पूछेंगे कौन सा टाइम परफेक्ट है, तो आप इसे खाने के बाद कभी भी पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ खाने में अवॉइड कीजिए। ये टी शायद आपको नहीं लगे, लेकिन चाइनीज मेडिसिन में ऑरेंज पील की जो चाय है वो बहुत फेमस है, और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि चाइनीज लोग इसे आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, हेस्पेरिडिन एंड पॉलीमेथॉक्सीफिलोन्स होते हैं जो बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, तो वो आपको फायदा करेंगे। साथ ही पैक्टिन होता है जो इसके फाइबर में होता है, वो आपके बाइल एसिड के साथ मिलकर आपके लिवर को हेल्दी करता है अगेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन ए, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलेनियम होता है। टर्मरिक और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन यानी पेपराइन और कर्क्यूमिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक लीथल, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। आपकी बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ जाता है, उससे गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन कुछ भी है, आपको इस चाय से आपको बहुत फायदा होगा। आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, फैट बर्निंग प्रोसेस को, आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं उन्हें मोबिलाइज करेगा, यानी जो फैट के स्टोर हैं उन्हें आपके ब्लड स्ट्रीम में लाके उन्हें रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर में हाई है, रिड्यूस करता है सेलुलाइट्स जो स्पेशली हमारे थाइस के पास, हाथों के पास जो स्किन जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। साथ ही और भी फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा, ब्लड प्रेशर को लो करेगा, इंसुलिन को लो करेगा, म्यूकस जो होता है उसे क्लियर करेगा, एंटी एलर्जिक है, हेडेक अगर आपको होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसे हेल्प करेगा रिड्यूस करने में, क्रैम्प्स अगर आपको होते हैं, एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, साथ ही फंगल, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है ये चाय। आपको अगर टूथ में सेंसिटिविटी होती है तो उससे भी रिलीफ दिलाएगी। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। चलते हैं दूसरी चाय की तरफ, एप्पल सिनेमन टी यानी सेब और दालचीनी से बनी हुई चाय, बहुत ही टेस्टी है, मेरी फेवरेट है। आधा हमें एप्पल चाहिए, 1 कप पानी, दालचीनी, जिंजर हमने लिया है आसपास, और हनी ऑप्शनल है। आप साबुत जो होती है दालचीनी वो भी ले सकते हैं, या फिर एक पिंच दालचीनी है, वो डिपेंड करता है आप कितने यूज टू हैं। आप पिंच से थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आप यूज टू हैं, आप इसे ऑलरेडी अपनी डाइट में इंक्लूड करके ले रहे हैं। जिंजर ग्रेट करके अच्छी तरह ताकि सारे जूसेस इसके अंदर मिल जाए। एप्पल फ्रूट्स को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम छिलके यूज कर रहे हैं, हो सके तो आप इन्हें पानी में डिप करके थोड़ी देर निवाए पानी में छोड़ दीजिए, ताकि जो भी अगर ऊपर कुछ हो इम्प्योरिटीज वो निकल जाए। इन्हें हमने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है, और अब इसे हमने मिला दिया है अपने पानी और सिनेमन के मिक्सचर में, जिंजर जिसके साथ था, अगेन
अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। जैसे ही एक बॉईल इसके अंदर आने लगे इसे रिड्यूस कर दीजिए, सिमर कीजिए कुछ मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट बहुत है, ढक दीजिए और फिर उसके बाद आपकी चाय तैयार हो गई है, इसे आप स्ट्रेन कर लीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में होगा कि हम एप्पल चंक्स जो है उनका क्या करें, ये बहुत यम्मी लगते हैं। अगर आपने पूरी सिनेमन डाली है और जिंजर के टुकड़े करके डाले तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं या फिर उसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें आप थोड़ा सा हनी डालिए ऊपर और खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, अगले दिन ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ ले लीजिए, उसकी स्मूदी बना लीजिए, बिल्कुल फेंकना नहीं है, पूरी तरह से यूज करना है उन्हें। चाय की अगर मैं बात करूं, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, बॉडी की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है टू बर्न मोर फैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज, यानी बार बार जो भूख लगता है आपको उसे आपको भरा हुआ फील कराएगा, ये फाइबर होता है इसके अंदर, साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करेगा, कैलोरी में बहुत लो होता है, एक तरह को नेगेटिव कैलोरी में से बोलते हैं क्योंकि कैलोरी कम होती है लेकिन बर्न बहुत ज्यादा करता है ये। डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसके अंदर मैलिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं पॉलीफिनोल्स और फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट्स में होते हैं, पेक्टिन तो होता ही है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, पेक्टिन है, विटामिन मिनरल से भरपूर है, आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। थर्मोजेनिक इफेक्ट की मैंने बात की और साथ ही नेगेटिव कैलोरीज है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा, ब्लड शुगर जिन्हें है जो शुगर क्रेविंग होती है उसे बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बोन की हेल्थ के लिए जिन्हें डायबिटीज है, और साथ ही रिड्यूस करेगा पीरियड्स के पेन को। अगली चाय हमारी पोमेग्रेनेट यानी अनार की चाय, बहुत ही यम्मी है ये भी। एक अनार हमने लिया है, अनार का छिलका, बल्कि पोमेग्रेनेट पील की चाय है ये, थोड़ा सा लेमन जूस है, क्लोव्स है और है हमारे पास जिंजर। अगेन अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हमें अपने अनार को घिस के, अगर आप हल्का सा निवाय पानी डालेंगे तो वैक्स का जो इफेक्ट कई मैंने देखा है ऊपर यूज करते हैं या कोई कलर ऐसे है तो वो रिमूव हो जाएगा, और हो सके तो ऑर्गेनिक लें, लेकिन ऑर्गेनिक आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी दे देते हैं, तो जिससी कहाँ से आप ले रहे हैं, मैंने कुछ कोड्स की बात की थी, आप उसे रीड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। पील मैंने निकाल दिया है, जितना हो सके वाइट पोर्शन को अवॉइड करें वरना थोड़ा कड़वापन आ सकता है। थोड़े मैं बीज भी लूंगी, इन्हें हल्का सा मैं क्रश कर दूंगी ताकि जूस बाहर आ जाए उनका। क्रश करने के बाद हम बनाएंगे अपनी चाय, जिसके लिए हम अगेन एक पैन में लेंगे पानी, उसमें ये सारी चीजें एक एक करके डाल देंगे। मैंने जिंजर सबसे पहले ग्रेट करके डाल लिया है, जिंजर जो होता है उसे जिन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, उसके लिए बहुत यूजफुल है, और इसका कॉम्बिनेशन अगर क्लोव्स के साथ हो, यानी ये लौंग जो होती है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग होता है। 2 या 3 क्लोव्स आप ले लीजिए, हल्का सा मिर्ची से का टेस्ट आएगा आपको इस चाय में इसकी वजह से, बट दैट इज परफेक्टली फाइन। गैस ऑन कर दीजिए, मैं ये चाय एक के बाद एक बना रही हूँ, तो यू कैन सी द पैन इज ऑल्सो अ बिट, उसके जो साइड में मार्क्स होते हैं वो बन गए हैं। ढककर इसे अच्छी तरह से पका लीजिए, सिम कर लीजिए सिमर, एंड देन इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आप चाहें तो एक चम्मच के बैक की मदद से उसे प्रेस करके जूस को निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस, हनी ऑप्शनल है, मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ी स्वीटनेस इसके अंदर पोमेग्रेनेट की आ जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो हनी ऐड। मैंने शुरू में चाइना की बात की थी कि ऑरेंज पील की टी चाइना में बहुत फेमस है, वैसे ही पोमेग्रेनेट टी यानी अनार की जो चाय है वो साउथ कोरिया में बहुत फेमस है, और वहाँ के लोग इसे इतना इंजॉय करते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, जब भी अनार लेकर आते हैं उसकी चाय ज़रूर बनती है वहाँ पे, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करती हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और आपके साथ शेयर करने का मन करते हैं तो शेयर कर देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, फ्लेवोनॉइड्स है इसके अंदर, ये 2 फ्लेवोनॉइड्स इतने पावरफुल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और साथ ही हम इसमें विटामिन सी ऐड कर रहे हैं जो लेमन से आएगा। स्किन के लिए एक मिरेकल ड्रिंक है ये, रिंकल्स को कम करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे हटा देगा अगर आप ये पियेंगे, एजिंग के स्पॉट्स होते हैं, ब्लेमिशेज स्कार्स जिन्हें होते हैं हो गए हैं फेस पे, या फिर फेस की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, सो दैट यू लुक अ बिट यंगर। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, और साथ ही आपकी बॉडी की एबिलिटी टू बर्न फैट उसको इम्प्रूव करता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है,
जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर उसे रिड्यूस करता है, स्किन के लिए अच्छा है ही और साथ ही रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। तो ये सारी चाय जो है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको सूट करे। अगर आपको सिनेमन सूट नहीं करती तो आप दूसरी ट्राई कीजिए, अगर आपको क्लोव सूट नहीं करते तो सूटेबिलिटी अपनी बॉडी को देखिए कौन सा सूट करते हैं। और यूजुअली क्या होता है, अगर आप एक टी ट्राई करेंगे उसको लेने के बाद वो खुद ही पता लग जाएगा आपको सूट कर रहा है कि नहीं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे इमीडिएटली नजर आएगा। आपको बर्ब्स आएंगे अगर आपको एसिडिटी है, या फिर आप बेटर फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। तो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे और आपका फीडबैक जो है जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग इसका बारे में और जान सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि अपडेट्स आपके पास फटाफट पहुंच जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय, सी यू सून।